नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर क्राइम ब्रांच में दो अलग अलग मामलों में पिछले 8 वर्षों से फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी थाना मोघट और थाना पिपलौर जिला खंडवा के अपराध में फरार थे। जानकारी देते हुए एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच राजेश दंदोटिया ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्ति जो थाना मोघट जिला खंडवा से लड़ाई झगड़े के केस में कई वर्षों से फरार हैं, वहीं एक अन्य आरोपी जो कि 8 साल से फरार है वो इंदौर शहर में छुपकर फरारी काट रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने भगवान सिंह लोधी पिता राजा राम और मोहन सेंगर पिता शिव प्रताप सेंगर निवासी भागश्री कॉलोनी इंदौर को पकड़ा है। जब दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो आरोपी मोहन सेंगर ने बताया कि वो वर्ष 2013 के एक मारपीट लड़ाई झगड़े के प्रकरण में फरार चल रहा था। इसके खिलाफ न्यायालय से स्थायी वारंट जारी हुआ था। वहीं भगवान सिंह लोधी थाना पिपलौर जिला खंडवा से वर्ष 2016 से एक्सीडेंट के मामले में फरार चल रहा था। दोनों ही आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर संबंधित थाने के सुपुर्द किया है। इसने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें कि ये खंडवा से थाना मोगढ़ और थाना पिपलौर से दो आरोपी फरार थे, जिसमें कि एक 2013 और एक 2016 से, मतलब एक आरोपी 11 वर्षों से फरार था और एक आरोपी 8 वर्षों से फरार था। इस पर से स्थायी वारंट भी जारी किए गए थे, फरारी में थे दोनों। दोनों आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक आरोपी का नाम मोहन सिंह है, दूसरे का भगवान सिंह है। दोनों को गिरफ्तार कर थाना मोगट पुलिस और पिपलौर पुलिस को दे दिया गया है। पुलिस उनको कार्रवाई के लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए अपने साथ ले। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।